आगे बढ़ते हैं। यूपी में लोग कानून से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर कानून को हाथ में लेने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला कौशाम्बी में देखने को मिला, जहां दबंगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई। कौशाम्बी में दबंगों का कहर, एक ही परिवार के 5 लोगों को पीटा, पिटाई से महिला की मौत। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल, सूबे में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों में कानून का डर नहीं रह गया है। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला कौशाम्बी में, जहां छोटी सी बात पर गांव के दबंगों ने ऐसा कहर बरपाया कि एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। दरअसल आरोप है कि पीड़ित गोकुल अब पड़ोसी सालिक राम उसके दरवाजे के सामने बच्चों से शौच कराता था, और जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके परिवार के 5 सदस्यों को लाठियों से बड़ी ही बेरहमी से पीटा, जिससे एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। राम सुमेर, उसका लड़का बब्बू, ये सब लोग आकर हमको परिवार भर से बहुत बेहतरीन मारे, लाठी डंडों से और कट्टों से हमारे भाई को चहेट कर अंदर घुसेर दी। अगर हमारा भाई अंदर न घुस जाता तो उसको गोली मार दी जाती। मौत हो गई? हमारी माँ की मौत हो गई साहब, दर पर डंडे लाठी से पीट पीट कर दर में मार डाले सर। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए, और पुलिस ने करीब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, और अब पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक सभी की हालत गंभीर है। मरीजों को लाया गया है, एक महिला और 3 पुरुष हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा में घायल हुए बताए गए हैं, जिनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। किसी की मौत भी हुई है? बता रहे हैं कि एक महिला की मृत्यु हुई है उसमें। एक तरफ पीएम मोदी भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने की मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस मुहिम का मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं और विरोध करने पर कानून को हाथ में लेने से घबरा तक नहीं रहे, जो कि सीधे शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कब तक ये स्थितियां सुधरेंगी और कब खाकी का इकबाल बुलंद होगा। कौशाम्बी से नेशनल वायर्स के लिए शिवनंदन साहू की रिपोर्ट।